हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं स्नेक जावेद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे को एक कॉल आया BGS करने से, तो नगरूर के पास जो इंडियन रसल वाइपर देखिए बोल के बोले थे, मैं आके एक इंडियन रसल वाइपर पकड़ रहा हूँ। दोस्तों, ये इंडियन रसल वाइपर बोलते हैं इसको, और कनाडा में मंडलाऊ बोलते, और बहुत ही खतरनाक होता है। इंडिया में आके सेकंड नंबर पे आता है, बहुत ही खतरनाक होता है। दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे कॉमन क्रेट, सेकंड रसल वाइपर, थ्री नाग सांप, फोर सास्कल वाइपर, जो इंडिया में चार सांप हैं, तो ये सेकंड नंबर पे आता है। मोस्ट पावरफुल सांप है, तो चार अड़ी जंप करके भी अटैक कर सकता है। मेरे लिए बहुत ही खतरनाक है, हर एक के लिए। तो मैं इसको कोशिश करूंगा एक डब्बे में डालने की। तो धूप ज़्यादा है, तो आसपास पानी पीने के लिए सांपा आते रहते, तो सांपों को मारिए मत कोई फॉरेस्ट वाले से, नहीं तो हमारे से मदद ले लिए तो आके हमें रेस्क्यू कर लेके फॉरेस्ट एरिया में छोड़ देते। दोस्तों, देखिए मैं उधर लेके जाके एक डब्बे में पैक करने की कोशिश करूंगा। तो ये काटने के बाद गैंग्री होना, सर में दर्द होना, तो नसोड़ों में से दांतों के अंदर से खून आना, और जो लेट गए तो हॉस्पिटल को किडनी भी फेल होना, ऐसा हो जाता है। जो MTNM हमारे को नहीं चढ़ाए तो बॉडी में, तो किडनी डैमेज होने के चांसेस है। तो पेशाब की जगह से भी आना खून बहुत, तो 10-15 मिनट के बाद आना स्टार्ट होता, तो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही घातक होता है ये जो रसल वाइपर है जो मेरे हाथ में। दोस्तों, प्लीज़ जो मेरी जैसी कॉपी मत करो। क्यों बोले तो हमारे को कितना भी एक्सपीरियंस रहे, मैं एक्सपर्ट नहीं बोलता, तो कितना भी एक्सपीरियंस रहे ये सांप के नीचे, तो सांप ही एक्सपर्ट होता है। दोस्तों, देखिए हमारी जैसी गलती मत करो, वो जंप करके काट भी सकता है। तो फौरन डब्बा मुझे लाके अंदर से दे रहे, मैं उसको डाल के एक अच्छे फॉरेस्ट एरिया में छोड़ दूंगा। तो दोस्तों, अभी एक पैकिंग हो गया, तो मेरे को प्लीज़ सपोर्ट करो, तुम्हारा सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल आके स्नेक जावेद बोल के है, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई नए रहे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो। क्यों बोले तो आपको, मेरे को सब्सक्राइब करे तो आपको नई नई चीज़ें देखने को, जो मेरे वीडियोस मिलते रहते हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों, प्लीज़ आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये एक फॉरेस्ट एरिया में एक रसल वाइपर छोड़ दे रहा हूँ। प्लीज़ देखिए कैसा जा रहा है, तो मेरे को प्लीज़ सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। जय हिंद, जय कर्नाटका।